सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से विश यू वेरी वेरी हैप्पी नवरात्रि। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूँ प्रगति। तो आज मैं आपको विशाखापट्टनम के कैलाशगिरी लेकर जाने वाली हूँ और हम आरके बीच रोड होते हुए जाएंगे। वहाँ पर एक विशाखा म्यूजियम है, मैं आपको वहाँ पर भी लेकर जाऊँगी अगर वो ओपन हुआ। और एक सबमरीन म्यूजियम है, हम वहाँ पर भी जाएंगे अगर वो भी ओपन हुआ। अगर आप कभी विशाखापट्टनम आते हैं तो आरके बीच रोड पर ही बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। पूरा दिन आपको घूमने के लिए कम पड़ेगा। काफ़ी सारे प्लेसेस हैं वहाँ पर, जैसे कि सबमरीन म्यूजियम, एयरक्राफ्ट म्यूजियम, वाइजैक म्यूजियम और बहुत सारे पार्क भी आपको मिलेंगे। तो अगर आप कभी विशाखापट्टनम आए तो आरके बीच रोड पर जरूर जाइएगा, वहाँ पर विजिट करने के लिए बहुत सारे प्लेसेस आपको मिलेंगे। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये मेरे पुराने ब्लॉग वीडियो के पिक्चर्स हैं, इनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और ऊपर आई बटन में भी बीच बीच में आप चेक कर सकते हैं और वीडियो के एंड में भी। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं आरके बीच रोड और आरके बीच रोड होते हुए हम जाएंगे विशाखा म्यूजियम और उसके बाद मैं आपको लेके जाऊंगी कैलाशगिरी। स्क्रीन पर जो अभी आपके सामने पिक्चर शो हो रही है, ये आरके बीच का वीडियो है। इसका लिंक मैं ऊपर आपको आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। अभी जो ये फ़िश का वीडियो आप देख रहे हैं, ये एक फ़िश हाउस है, ये आरके बीच रोड पर ही है। यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप की फ़िश देखने के लिए मिलेंगी। आप चाहें तो यहाँ पर भी विज़िट कर सकते हैं अगर आरके बीच रोड पर कभी आते हैं। विशाखापट्टनम का आरके बीच रोड बहुत ही ब्यूटीफुल बना है। रोड साइड भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। अगर आप कभी भी आएँ तो पूरा दिन आपको यहाँ पर विज़िट करने के लिए कम पड़ेगा। आरके बीच रोड का जो नज़ारा है वो देखने में बहुत ही सुंदर है। ये विशाखापट्टनम के मेरे फेवरेट प्लेस में से एक है। तो अभी ये यहाँ पर रोड की सफाई भी हो रही है। तो जो सामने आपको फ़िश दिख रही है, ये वेस्ट बॉटल से बनाई गई है। ये भी देखने के लिए बहुत अच्छी है, आप जाकर ये भी देख सकते हैं। सामने जो अभी आप ये देख रहे हैं सबमरीन म्यूज़ियम है, इसकी विज़िट मैं अभी आपको नहीं करा पाऊँगी क्योंकि अभी ये यहाँ पर बंद किया हुआ है। बट अगर आप कभी भी आरके बीच रोड आएँ तो ये सबमरीन म्यूज़ियम ज़रूर देखने के लिए आएँ। अभी जो आप ये सामने देख रहे हैं ये एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम है और इसका वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है। तो इसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूँगी और वीडियो के एंड में भी आप चेक कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक दे दूँगी। तो अगर आप देखना चाहते हैं वो वीडियो तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं विशाखा म्यूज़ियम, तो वहीं पर हम एंटर करने वाले हैं। तो अभी आपके सामने जो ये शो होगा उसका एंट्री गेट होगा। ये हम आ चुके हैं, टर्न कर रहे हैं विशाखा म्यूज़ियम के लिए और यहीं से अंदर जाके सीधे आपको विशाखा म्यूज़ियम मिलेगा। विशाखा म्यूज़ियम का टाइमिंग क्या है और इसका टिकट चार्जेस क्या है, तो ये यहाँ पर टिकट काउंटर है, यहाँ पर आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं क्या चार्जेस हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर कोई टिकट चार्ज नहीं देना पड़ा है क्योंकि मेरे हस्बैंड नेवी में हैं तो उनके लिए यहाँ पर विज़िट फ्री है। अगर आप एक डिफेंस पर्सन हैं तो अपना आई कार्ड लेके आएँ और फैमिली और बच्चों का भी डिपेंडेंट कार्ड लेके आएँ तो आपको भी यहाँ पर फ्री विज़िट करने के लिए मिलेगी। जब मैंने यहाँ पर अंदर एंट्री की तो मुझे लगा यहाँ पर कुछ खास देखने के लिए नहीं मिलने वाला है, बट यहाँ पर बहुत ही कुछ है, बहुत कुछ अच्छा है देखने के लिए। आप ज़रूर यहाँ पर एक बार विज़िट करें। देख रहे हैं ये शिप में लगने वाली बैटरी है, इतनी बड़ी बड़ी बैटरीज जो है शिप में लगती हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड नेवी में हैं। तो बीच बीच में मुझे बता रहे थे कहाँ पर क्या यूज़ होता है और ये क्या चीज़ है, तो मैं पूरा डिटेल ले रही थी उनसे। मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे यहाँ विज़िट करके काफ़ी अच्छा लगा। मुझे काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें जो यहाँ आकर देखने के लिए मिली हैं। वैसे तो मैं अपने हस्बैंड के साथ जो रियल वाला शिप होता है और सबमरीन होता है उसकी विज़िट रियल में कर चुकी हूँ, बट यहाँ पर भी अगर आप सिविल में रहते हैं और ऐसी कुछ चीज़ें देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आके ज़रूर देख सकते हैं।
और अब जो आप ये देख रहे हैं ये पुरानी पुरानी मूर्तियां हैं काफ़ी, जो भी यहाँ पर खुदाई होती है और उसमें से जो मूर्ति निकलती हैं उनको यहाँ पर लगा दिया जाता है, और नीचे लिखा भी है ये कितनी पुरानी है और कब मिली हैं, तो उनकी पूरी डिटेल आप नीचे चेक कर सकते हैं। तो विशाखा म्यूज़ियम के अंदर ये हेरिटेज म्यूज़ियम भी है, वो भी आप देख सकते हैं, ये 2 फ्लोर तक बना है, तो दोनों फ्लोर पर मैं आपको विज़िट कराऊंगी। तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी पुरानी पुरानी चीज़ें और यूनिक चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं। हमारी विशाखा म्यूज़ियम की विज़िट कंप्लीट होती है, तो अब हम आ चुके हैं उसके बाहर, और यहाँ पर ये सोडा गोला मॉकटेल फालूदा का स्टॉल है। तो यहाँ पर हमने कुछ ट्राई किया, एक हमने लिया था काला खट्टा गोला और हमने लिया था फालूदा, तो ये भी काफ़ी अच्छा है खाने में, ज़रूर आप यहाँ पर आएँ तो ट्राई कर सकते हैं। तो क्योंकि अभी दिन का टाइम था और हमें काफ़ी गर्मी लग रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना चलिए इसको थोड़ा सा ट्राई किया जाए, और काफ़ी अच्छा था ये खाने में। तो उसके बाद मैं आपको लेके जाऊँगी कैलाशगिरी। तो अभी हम आरके बीच रोड होते हुए कैलाशगिरी जा रहे हैं, और कैलाशगिरी जाने के लिए आप रोपवे से भी जा सकते हैं और अपने खुद के व्हीकल से भी आप वहां जा सकते हैं। तो मैं यहां पर रोपवे से कई बार जा चुकी हूं, तो अभी हम अपने खुद के व्हीकल से यहां पर जा रहे हैं। तो अभी आपके सामने स्क्रीन पर शो होगा, यहां पर मैं आपको जूम करके दिखाती हूं, देखिए ऊपर पहाड़ पर कैलाशगिरी लिखा हुआ है, तो हमें वहीं पर जाना है। तो अभी आप जो वीडियो में देख रहे हैं यहाँ पर ये हट बनी हुई है, ये एक रोपवे का एरिया बनाया हुआ है, यहीं से आपको रोपवे से ऊपर कैलाशगिरी लेके जाया जाएगा। तो अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से जा सकते हैं, और अगर आप रोपवे से जाते हैं तो हार्डली आपको 10 मिनट लगेंगे कैलाशगिरी पहुँचने में, और अगर आप अपने व्हीकल से जाते हैं तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से जा रहे हैं, अगर आप रोपवे वाली जगह से स्टार्ट करेंगे तो 1/2 आवर में आप कैलाशगिरी में ऊपर पहुँच जाएंगे। तो अभी हम कैलाशगिरी में ऊपर आ चुके हैं, ये ऊपर के एरिया से जो सी का व्यू दिखता है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर मैं जूम कर रही हूँ, जूम करने के बाद देखिए कितना अच्छा व्यू आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा ऊपर पहाड़ी से। तो चलिए अब हम आ चुके हैं कैलाशगिरी, और यहाँ से मैं आपको अंदर लेके जाऊँगी। कैलाशगिरी में ऊपर विज़िट करने के लिए पूरे एरिया को कवर करने के लिए एक टॉय ट्रेन बनाई हुई है, इस टॉय ट्रेन से आप पूरी पहाड़ी का मज़ा ले सकते हैं। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, जो पटरी आपको दिख रही है ये टॉय ट्रेन की पटरी है, इसकी विज़िट भी आप कर सकते हैं, इसकी पूरी डिटेल मैं अभी आपको बाद में बताऊंगी कि यहाँ पर कैसे विज़िट करते हैं इसके लिए। तो कैलाशगिरी में सबसे स्पेशल है यहाँ पर ये शिव पार्वती की काफ़ी बड़ी सी मूर्ति है, तो अभी सामने आपको यहाँ पर दिख नहीं रही क्योंकि सनलाइट काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैं ऊपर जाके आपको यहाँ पर वो मूर्ति दिखाती हूँ। ये देखिए ये वाइट रंग के जो 2 स्टैचू हैं शिव और पार्वती के, इसी को देखने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं, और काफ़ी अच्छा व्यू है ये। तो यहाँ पर काफ़ी ग्रीनरी दी हुई है और काफ़ी पार्क भी हैं और झूले भी लगे हुए हैं, अगर आप अपना पूरा दिन पिकनिक के तरीके से विज़िट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आएँ। तो अभी यहाँ पर सनसेट हो गया है और शाम के 5 बज रहे हैं, और साइड में जो आपको ये स्टोन वाला एरिया दिख रहा है, यहाँ पर एक छोटा सा रिवर एरिया बनाया हुआ है, बट यहाँ पर अभी पानी नहीं दिया हुआ था, बंद किया हुआ है मे बी, बट जब मैं पहले आई थी तो यहाँ पर पानी बहता था।
तो चलिए अब आपको टॉय ट्रेन के बारे में बता देती हूँ। यहाँ पर विज़िट करने के लिए आपको टिकट लेना होगा और टिकट का क्या प्राइस है वो आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। और पूरा एक एरिया बनाया हुआ है पहाड़ी में टॉय ट्रेन के लिए, तो पूरा पहाड़ी का जो व्यू है वो आपको टॉय ट्रेन में बैठने के बाद दिखेगा। बट मैं यहाँ पर ये टॉय ट्रेन में नहीं बैठूंगी, मैं आपको उसका सिर्फ व्यू दिखा रही हूँ। ये देखिए सामने से टॉय ट्रेन आ रही है, मैं इसमें कई बार बैठ चुकी हूँ तो आज हम इसमें विज़िट नहीं कर रहे हैं। अगर आप कैलाशगिरी फर्स्ट टाइम आते हैं तो इस टॉय ट्रेन में ज़रूर बैठिएगा, क्योंकि इस टॉय ट्रेन के थ्रू आप पूरा एरिया कवर कर सकते हैं पहाड़ी का। टॉय ट्रेन की, कैलाशगिरी की और सबमरीन म्यूज़ियम की और विशाखा म्यूज़ियम की कुछ पुरानी पिक्चर्स हैं मेरी, जो कि मैं आपके साथ वीडियो के एंड में शेयर करूँगी, तो आप चेक कर सकते हैं। तो अभी बज रहा है शाम के 6 और हम वापस जा रहे हैं, तो वापस जाते हुए हमें आरके बीच रोड मिलेगी। तो वहीं पर एक लुम्बिनी पार्क है, तो वहीं पर मैं आपको विज़िट कराऊंगी लुम्बिनी पार्क की। तो अभी आपके सामने जो ये पिक्चर शो हो रही है, यही है लुम्बिनी पार्क। यहाँ पर एक बड़ी सी बुद्ध की मूर्ति है और पार्क में काफ़ी ग्रीनरी दी हुई है और काफ़ी अलग अलग कलर के फ्लावर्स लगाए हुए हैं। और पार्क के बैक साइड में आपको बीच दिखाई देगा, वहाँ से मैं आपको बीच भी दिखाऊँगी अभी। पार्क का एंट्री चार्जेस एडल्ट के लिए 10 रुपीज़ है और चाइल्ड के लिए 5 रुपीज़ है, तो बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं है, आप इस पार्क में विज़िट कर सकते हैं। तो पार्क में विज़िट करने के बाद जब हम घर वापस जा रहे थे, तो रास्ते में जाते हुए मुझे ये वाइट हाउस टाइप का एक घर मिला था। ये घर है या फिर एक महल जैसा कुछ है, मुझे नहीं पता ये क्या है। अगर आप जानते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्या है। तो अभी हमें यहाँ पर रात हो चुकी है और वापस हम आर के बीच रोड होते हुए अपने घर की साइड जा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको नाइट का व्यू दिखा दूँ आर के बीच रोड का, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है रात में ये आर के बीच रोड यहाँ का। मुझे पान खाना काफ़ी पसंद है, तो अभी हम आ चुके हैं एक पान शॉप पे और उसका एड्रेस जो है आप ऊपर देख सकते हैं, ये अल्फा होटल है, उसके जस्ट सामने ये पान की शॉप है। तो वीडियो के एंड में मैं आपके साथ अपनी कुछ पुरानी पिक्चर शेयर करूंगी, जिसमें कि मैंने विशाखा म्यूज़ियम, सबमरीन म्यूज़ियम, एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम और कैलाशगिरी की विज़िट की है, तो उनकी पिक्चर आप देखना ना भूलें वीडियो के एंड में। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।